मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये कंपनी लॉ कहता है ओवरऑल, ओवरऑल से मतलब सबका, ओवरऑल रेम्यूनरेशन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, एंड मैनेजर, आप कितना मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं? 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के 11% के जितना रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। फिर इसी 11% के अंदर दो तरह की सीलिंग आ जाती है, इसी के अंदर है ये, आप मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। यदि ओनली वन पर्सन, ओनली वन, देन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट मैक्सिमम। लेकिन यदि कंपनी में एक से ज्यादा एमडी और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हैं तो आप कितना दे सकते हैं? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इंडिविजुअल, एक पर्सन को एंड लेस देन और इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट सारों का एग्रीगेट। यदि कंपनी में है ही एक पर्सन तो आप उसको मैक्सिमम 5% दे पाएंगे, लेकिन यदि कंपनी में एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन सारों का एग्रीगेट, मैनेजरियल पर्सोनल का एग्रीगेट 10%, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। बाकी बच गए अदर डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अदर देन एमडी होल टाइम, जिनको आप बोल सकते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, इनको आप कितना अमाउंट मैक्सिमम पे कर पाओगे? ये डिपेंड करता है क्या कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर था। हां था, यदि था तो मैक्सिमम 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, क्योंकि काम तो सारा यही कर रहे हैं, फिर आप तो कुछ ज्यादा काम कर ही नहीं रहे। बट नो एमडी, नो होल टाइम, नो मैनेजर, फिर आप थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, आपको नेट प्रॉफिट के 3% तक रेम्यूनरेशन पे किया जा सकता है। ये एक स्ट्रक्चर हो गई पूरी कि आप मैक्सिमम कितने रेम्यूनरेशन दे सकते हो। इन सारों का एग्रीगेट 11%। यहां पर डायरेक्टर्स अदर देन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर ये एग्रीगेट में है सबका, ये भी एग्रीगेट में है सबका, सबका टोटल। नाउ अब यदि एक एक पॉइंट पर चलते हैं, यदि आपको 11% से ऊपर जाना है अप्रूवल रिक्वायर्ड ऑफ
कंपनी इन जनरल मीटिंग। कंपनी की जनरल मीटिंग में आपको अप्रूवल चाहिएगी। अब ये कहां लिखा गया? ये लिखा गया फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 197(1) के अंदर। आपको जनरल मीटिंग के अंदर अप्रूवल चाहिएगी। यहां पर चलो जो मैं बात बोल रहा हूं अभी बाद में बोलूंगा, रुकता हूं अभी, इस पर चलता हूं मैं पहले। यदि आप इन केसेस में 5% या 10% एज द केस में भी उससे ज्यादा देना चाहते हैं तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप 5 या 10 से ज्यादा दे सकते हैं। यह बात कहां लिखी गई है? यह बात लिखी गई है सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 के अंदर। ओके, और आगे बढ़ते हैं इस पर। यदि आप 1% या 3% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा देना चाहते हैं तो कंपनी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यह बात फिर कहां लिखी गई है? यह बात लिखी गई है अगेन सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 के अंदर लिखी गई है। नाउ अब देखिए जरा, यदि आप 5%, 10%, 1%, 3% इन 4 लिमिट्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो लॉ ने सेकंड प्रोविजो के अंदर क्लियरली मेंशन किया है अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ऊपर जाते हो तो यहां पर कंपनी की जनरल मीटिंग में अप्रूवल चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन वर्ड का जिक्र नहीं किया गया। दैट मींस फिर यहां पर कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा? यहां पर चाहिएगा ओआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कौन सी सिचुएशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस चाहिए। यदि रेमुनरेशन इन लिमिट्स के अंदर दे रहे हो, यदि रेमुनरेशन इन्हीं लिमिट्स के अंदर है तब भी, अभी हमने पढ़ा 196 के अंदर सबसेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल चाहिए किसकी? बोर्ड के साथ साथ कंपनी की। तो अपॉइंटमेंट का तो रेजोल्यूशन आना ही आना है। अब अपॉइंटमेंट के रेजोल्यूशन में up to 11%, up to 5%, up to 10%, up to 1%, up to 3% ऑर्डिनरी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से ज्यादा भी ऑर्डिनरी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर 5, 10, 1, 3 इन 4% के बियॉन्ड यदि आपको जाना है, इन दैट केस क्या रिक्वायर्ड है? स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अर्लियर इसके अंदर प्रोविजंस कुछ और थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल्स चाहिए होती थी कुछ प्लेसेस पर। यह प्रोविजन सारा अमेंड हुआ था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल मैनेजरियल रेमुनरेशन के केस में कहीं पर नहीं रही है, कहीं पर नहीं रही। रादर यहां पर कंपनी की अप्रूवल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी के थ्रू, इन चारों में कंपनी की अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कर दी गई है। तो यह है हमारा सेक्शन 197 सबसेक्शन 1। ये इसका फर्स्ट प्रोविजो, ये इसका सेकंड प्रोविजो। नाउ अब मैंने इसके बड़े सारे एग्जांपल लिए हुए हैं, इसी प्रोविजन के ऊपर बेस्ड है। और एक काम करिए जरा, आप अपने आप इस काम को करें, जो आंसर दिया हुआ है उसको ना देखें और अपने आप सोचें किस तरह के रेजोल्यूशन पास होने चाहिए। दिखाएं, ये मैंने यहां पर 8 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल ये कहता है कंपनी के
नेट प्रॉफिट का 11% या उससे कम आप दे रहे हैं सारे डायरेक्टर को, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डब्ल्यूटी और मैनेजर। सोचिए सीलिंग लिमिट के अंदर है 11%। रिजल्ट कौन सा रेजोल्यूशन चाहिएगा? सिंपल आंसर ऑर्डिनरी। 11% से ज्यादा दे रहे हो टू ऑल डायरेक्टर, यहां पर आंसर गलत हो जाता है। कई बार लगता है 11% से ज्यादा स्पेशल चाहिएगा, नो, स्टिल रिक्वायर्स ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक मैनेजिंग डायरेक्टर को या एक होल टाइम को या एक मैनेजर को 5% तक दे रहे हो, एक पर्सन को, एक पर्सन का तो 5% ओके। ऑल एमडी, होल टाइम और मैनेजर, ऑल टेकन टूगेदर 5% से ज्यादा दे रहे हो, बट 10% से नीचे। 5% से ज्यादा दे रहे हो, 5% से ज्यादा दे रहे हो बट बिलो 10% रिजल्ट। अप टू 10% होता है एग्रीगेट, कोई दिक्कत नहीं है, ओआर चाहिए टू पे 10% बिलो 10% और इक्वल टू 10%, ये तो लगभग यही वाला एग्जांपल आ गया, अगेन ओआर चाहिए। यदि सबका एग्रीगेट ऑल मैनेजिंग होल टाइम मैनेजर टेकन टूगेदर 10% से ज्यादा है, अब अप्लाई होगा कौन सा प्रोविजो? सेकंड प्रोविजो। 11% से ज्यादा देते हो, 11% से ज्यादा देते हो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए, यहां पर लिख भी लीजिए फर्स्ट प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो। लेकिन 10% से ज्यादा दे रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, कहां लिखा है? सेकंड प्रोविजो में लिखा, सेकेंड प्रोविजो के अंदर। एक एमडी को, एक होल टाइम को, एक मैनेजर को 5% से ज्यादा दे रहे हो, 5% की लिमिट क्रॉस करते ही आपको क्या चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन, सेकेंड प्रोविजो। अगेन टू पे 2% ऑफ नेट प्रॉफिट टू डायरेक्टर अदर देन एमडी और होल टाइम डायरेक्टर। सिचुएशन वन, कंपनी में कोई एमडी होल टाइम मैनेजर नहीं था, आप 2% दे रहे हैं, 2% दे रहे हो तो ये 3% तक अलाउड था क्योंकि कंपनी में कोई एमडी होल टाइम मैनेजर नहीं था, ठीक है ओआर। लेकिन कंपनी में एमडी होल टाइम मैनेजर था तो आप मैक्सिमम कितना दे सकते थे? सोचिए 1% दे सकते थे, बट आपने कितना दिया? 2% दिया। तो 2% देने के लिए कौन सा अप्रूवल चाहिए? तो इस केस में हमें एसआर की रिक्वायरमेंट होगी, और एसआर की रिक्वायरमेंट कौन से प्रोविजो से आती है? अगेन सेकंड प्रोविजो से आती है, सेकंड प्रोविजो से।